हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का टाइम है और सुबह सबसे पहले मेरे घर में बनती है चाय। और बस यहाँ पे चाय बन रही है जैसे कि हमेशा बनाती हूँ। अदरक और चाय पत्ती, चीनी वगैरह डाल दी है। पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो दूध ऐड कर देंगे। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने इनके कुछ कपड़ों पर की थी प्रेस बहुत जल्दी में, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है। और इनके कहने पर ही मैंने मटर पुलाव बनाया है आज के नाश्ते में, तो थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाएगा। और ये खा के जाएंगे क्योंकि अभी लेट आएंगे। बीच में ही दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध ले लिया था, और साथ ही साथ मैंने इसको गर्म भी कर दिया है। और ये है इनकी प्लेट, तो मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये खा लेंगे, उसके बाद ये जाएंगे अपना एग्जाम देने के लिए। तो चलिए गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग हॉल। और आज का जो हॉल होने वाला है वो है अमेजोन फैशन हॉल। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ फैशन हॉल शेयर किया था, आप सभी को बहुत पसंद आया था, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि दीदी अफोर्डेबल कुछ बताइए। बहुत अच्छी अच्छी मैंने साड़ियाँ मंगाई हैं इस बार, और जैसे कि आपको पता है समर्स स्टार्ट हो गए हैं तो लाइट वेट साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। और जितनी भी मैंने साड़ियाँ ली हैं मुझे तो बहुत पसंद आई है पर्सनली, आप सबको भी पसंद आएंगी। और पसंद आए तो डेफिनेटली आप लोग बाय करना। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, माय हॉल स्टोर पर जाके क्लिक करना तो आपको मेरी सारी फेवरेट चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेजोन ट्रस्टेड स्टोर है, मैं हमेशा वहीं से शॉपिंग करती हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, डिलीवरी बहुत फास्ट है, घर बैठे आपको प्रोडक्ट्स जो रिसीव हो जाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप इजीली उनको रिटर्न कर सकते हैं, आपको आपका रिफंड भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी साड़ी है वो बहुत ही प्रीटी है, तो ये देखिए, ये है वो साड़ी, क्रेप साड़ी है ये, और मल्टी कलर में है। ये वाली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैशन में है आजकल। और ये जो साड़ियाँ हैं, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप अपने ऑफिस के लिए या फिर मार्केट के लिए ये साड़ियाँ ले सकते हैं, डेफिनेटली लीजिएगा। क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत ही लाइट वेट इसका फैब्रिक है, और इसका कलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मल्टी कलर है। और ये विथ ब्लाउज पीस है, इसकी लेंथ भी बहुत सही है, जो साड़ी की होती है प्रॉपर वही लेंथ के साथ आपको ये साड़ी मिल जाती है। पूरी ऑल ओवर साड़ी आपको मिलेगी। ये यहाँ पे मरून कलर का ये बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि दोनों साइड दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड ये बॉर्डर दिया हुआ है। और ये है इसका पल्ला, ये देखिए, मैं यहाँ पे ट्राई ऑन लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ब्लाउज पीस मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो साड़ियाँ होती है, इसका ब्लाउज आप डिजाइनर ब्लाउज रेडी करवाएगा या फिर स्लीवलेस रेडी करवाएगा तो ये साड़ी का लुक जो है ना वो कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी। बहुत स्टैंडर्ड साड़ी है एकदम, क्या कहते हैं, इसका डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसका ब्लाउज है, ये आप देख सकते हैं ना, ये इसका ब्लाउज है। यहाँ पे दो बूटे दिए हुए हैं, इसे आप चाहे तो फ्रंट पे या बैक में ले सकते हैं जब आप अपना ब्लाउज स्टिच करवाएंगे। तो ये दो बूटे दिए हुए हैं, ठीक है। मरून कलर का इसका ब्लाउज है और पूरी मल्टी कलर की ये साड़ी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है गाइस, डेफिनेटली आप इसको बाय करना, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप लोग देखते से ही पसंद कर लेंगे और इसको बाय कर लेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्राइस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगी, माय ऑल स्टोर पर आप लोग देख लेना। ठीक है, वॉश करने की बारी आती है तो आप इसको मशीन में भी वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश भी कर सकते हो, प्रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस वॉश करो और पहन लो। इतनी अच्छा इसका फैब्रिक है ना, मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यार प्रेस करने के झंझट कौन रखता है। तो एक तो फर्स्ट साड़ी मेरी ये थी, सेकंड साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जेनरिक ब्रांड की है, और उस साड़ी का ब्रांड आप लोग लिंक में देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, जयपुरी साड़ी है, गोटा पट्टी साड़ी है, बंदेज साड़ी है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। ये कलर मेरे पास नहीं था और मुझे ये कलर पहनना था, तो ये देखिए, इस साड़ी में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। वो वाली साड़ी में कलर ऑप्शन नहीं है शायद, तो ये देखिए, इसमें कलर ऑप्शन है, आपको ग्रीन लेना है, रेड लेना है, ब्लू लेना है। तो मेरे पास ब्लू कलर नहीं था और मुझे ब्लू कलर पहनना था, मतलब हर कलर होना चाहिए ना, जब आपको जो कलर पहनने का मन करे तो वो आप पहन लें। और सारी की सारी साड़ियाँ मैंने बहुत ही सिंपल सोवर ली हैं, जैसे इसे तो हम पूजा पाठ में ही पहन सकते हैं, और जैसे कि मार्केट पहन सकते हो, आप घर में भी हो तो आराम से पहन सकते हो, कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप साड़ी पहनते हो अपने घर में तो आप इस तरीके की साड़ियाँ ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, मैं आपको बता रही हूँ। अंडर 500 या 600 है ये अंडर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये
बांधने वाला जो प्रिंट होता है ना वो यहाँ पे हो रखा है, बहुत ही सुंदर व्हाइट व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के ये बूटे और ये बने हुए हैं पूरी साड़ी में। ये इसका पल्ला है और ये जो गोटे गोटे का जो काम हो रखा है, ये वेलवेट है, रेड कलर का वेलवेट है, उसके ऊपर ये गोटे का ये वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइपिंग भी दी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर इसका बॉर्डर है एंड बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये देखिए पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, ये आपका हो जाता है पल्ला और लेंथ बिल्कुल सही है साड़ी की, ये देखिए। एंड जॉर्जेट फैब्रिक में है ये साड़ी, तो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, एकदम पतला वाला फैब्रिक ये देखिए, है ना। ये मुझे इस तरीके के फैब्रिक अच्छे लगते हैं, तो ये देखिए ठीक है। और मैं आपको इसमें ब्लाउज का पीस भी मिल जाता है, तो ब्लाउज के पीस में आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे स्लीव्स पे टच करवा सकते हैं या फिर बैक में करवा सकते हैं, तो इतना बॉर्डर आपको ब्लाउज के लिए मिल जाता है। और पूरी साड़ी में जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे जब आप प्लेट्स बनाएंगे ना तो ये जो गोटा है ना ये नीचे की साइड आएगा पूरा का पूरा, तो पल्ले पे और पूरी साड़ी पे ये गोटे का काम किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई कलर। तो इसका कलर गाइज आप देख सकते हैं ब्लू कलर, बहुत ही प्यारा कलर है, अच्छा लगेगा पहनने के बाद। इसे मैं बहुत जल्दी तैयार कराऊंगी और जल्दी से आपको पहन के भी दिखाऊंगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज नेक्स्ट जो साड़ी है वो है मिर्ची फैशन ब्रांड से है, शिफॉन फॉरेस्ट डिजाइनर प्रिंटेड साड़ी है ये, विथ ब्लाउज पीस मिल जाता है आपको। और इसका जो कलर है वो है मल्टी कलर है, मस्टर्ड मल्टी कलर, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके, इसका फैब्रिक और इसका फैब्रिक जो फर्स्ट साड़ी थी ना मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फर्स्ट साड़ी थी ना कुछ सेम सेम ही है बट बहुत डिफरेंट भी है, तो इसका फैब्रिक ज़्यादा बेस्ट है मैं आपको बताऊंगी इसके आगे। इसका बहुत अच्छा फैब्रिक, एकदम एकदम सॉफ्ट मलाई जैसा फैब्रिक है इसका, इस वाली का। इसमें सिफॉन दिया हुआ है बट सिफॉन जैसा मुझे लग नहीं रहा है इसका फैब्रिक। अभी मैं ओपन करके आपके सामने ओपन कर रही हूँ अभी, और साड़ी बहुत ही प्रिटी है। अच्छा, जो फर्स्ट मैंने आपको साड़ी दिखाई थी ना उसमें आपको सिंगल कलर ही मिलेगा, उसमें कलर ऑप्शन नहीं है ना ही डिज़ाइन है। इस वाली साड़ी में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको अलग अलग डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, मतलब ऐसा ही डिज़ाइन होगा फॉरेस्ट वाला बट अलग अलग होगा, ठीक है। लेंथ बहुत अच्छी है साड़ी की, ये देखिए, क्योंकि साड़ी को लेने से भी आपको पता चल जाता है कि साड़ी की लेंथ मतलब कितनी होने वाली है और इसका फैब्रिक मतलब कैसा है। से आपको साड़ी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो साड़ी को पकड़ने से ही इतना पता चल जाता है। तो ये देखिए, हाँ ये है इसका, दिखाते हैं आपको अभी। ये देखिए फॉरेस्ट नाम इसलिए है इस साड़ी का क्योंकि इस पे वर्ड्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसको पहनने के बाद, इस टाइप की साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे फैब्रिक इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बट उसके आगे मैं बोल रही हूँ कि उसका ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, ये देखिए इसमें पूरा ऐसे आपको फूल पत्तियां देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए इसको फॉरेस्ट डिजाइन दिया गया है। ये है इसका पल्ला, ये देखिए ये इसका पल्ला है, ठीक है गाइस। और ये पूरी साड़ी है, पूरी ऑल ओवर साड़ी है, ये एक जैसा ही है पूरी साड़ी में। ये देखिए वर्ड्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं एंड ये बड़े बड़े क्या कहते हैं ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ क्योंकि ये विद ब्लाउज पीस मिला है मुझे, तो ये है इसका ब्लाउज का पीस, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये है तो बन जाएगा किसी भी साइज का, ये जो ब्लाउज है वो आराम से बन जाएगा। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई, इनके रिव्यू बहुत अच्छे थे, रेटिंग अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने ये जो साड़ियाँ हैं वो ली हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें अगर इस टाइप की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, मैं तो कहूँगी अगर नहीं भी करते तो करने लगो क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है ये साड़ियाँ। बच्चे साथ में हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये जो साड़ियाँ होती हैं बच्चों को चुभती नहीं है, आपको भी स्वेटिंग नहीं होगी, गर्मी नहीं लगेगी और क्या कहते हैं कम्फर्टेबल रहोगे ऑल टाइम जब भी आपको ये साड़ी पहनोगे। तो एक तो मैंने ये साड़ी ली है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, तो आप लोग चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देख सकते हैं कितनी अच्छी लेंथ है साड़ी की, प्रॉपर जो लेंथ होती है साड़ी की वही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं शेयर कर रही हूँ, मैंने अपने लिए मंगाए हैं ये थोड़ा सा
कॉस्टली है। मैं यहाँ पे ट्राई ऑन लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा पहनने के बाद साड़ियाँ कैसी लग रही है। तो मैंने अपने लिए मंगाए हैं ये देखिए शूज, जो कि है स्पार्क्स के, और पहले भी मैंने अपने लिए शूज मंगाए हुए थे जो कि स्पार्क्स के ही थे। तो अभी मैं आपको इनको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है स्पोर्ट्स रनिंग शूज और कलर मैंने ये वाला मंगाया हुआ है, मरून कलर है। और नीचे सॉल पे आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर, वाइट कलर एंड मरून कलर, तो बहुत ही सुंदर है और इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि पता ही नहीं चल रहा है पहनने के बाद कि मैंने शूज़ पहन रखे हैं। तो ये मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए मंगाए हैं क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा टमी बाहर आ रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, सर्दियों में क्या है ना थोड़ा सा हम लोग लेजी हो जाते हैं, मन नहीं करता बेड से उठने का, बट अभी समर से स्टार्ट हो गए हैं तो अब थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी है। तो इसलिए मैंने ये शूज़ नहीं थे मेरे पास में, तो मैंने ये शूज़ मंगाए। पहले मैंने मंगाए थे स्पार्क्स से जो कि मैंने विंटर के लिए मंगाए हुए थे, तो अभी मैंने ये रनिंग शूज़ मंगाए हैं। और इनके जो रिबन हैं ये भी मरून कलर के हैं, अंदर से बहुत ही कम्फर्टेबल हैं और पहनने के बाद इसका जो अंदर से कुशन है इसका बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने इसको पहन के देखा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा हैवीनेस जैसा, बहुत ही लाइट वेट है। स्पार्क्स हैं तो ब्रांड के बारे में क्या मैं आपको बताऊं, इसलिए थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए या इवनिंग वॉक के लिए अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ले सकते हैं इन पे इनको। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरा जो साइज़ है वो है 5UK, आप अपना साइज़ के अकॉर्डिंग मंगा लीजिएगा। और इसमें कलर ऑप्शन तो बहुत है, हाँ कोई भी आप मंगा सकते हैं, ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है। तो गाइस इन्होंने अपने लिए एक शर्ट मंगाई है जो कि है मार्क एंड एल्बर्ट स्टोर से, और प्रिंटेड रेगुलर कॉटन फॉर्मल शर्ट है ये। इनका साइज मैं आपको बता देती हूँ 42 है, और इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, और भी शर्ट हैं, बट प्राइस थोड़े से ऊपर हैं। और यही जो शर्ट है ये काफ़ी अफोर्डेबल है, तो ये इन्होंने अपने लिए मंगाई हुई है क्योंकि ये डेली में इस टाइप की ही शर्ट पहनना पसंद करते हैं। फुल स्लीव से मैं आपको दिखा देती हूँ, और कुछ इस टाइप से है, और इसका जो कलर है ना वो है वाइट कलर, वाइट कलर है एंड ब्लू और ब्लैक ब्लैक कलर के इस तरीके से डॉट 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 दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये यहाँ पे ब्रांड का नाम दिया हुआ है, आप देख सकते, प्लेन सिंपल जो बटन है वो यहाँ पे इस तरीके से दिए हुए हैं। इनको इस टाइप की फॉर्मल शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद है, और ये ब्लैक कलर के पैंट के साथ या फिर ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ब्लैक या ब्लू, मतलब लाइट कलर की शर्ट है तो डार्क कलर का ही इस पे जो पैंट जीन्स ट्राउजर वगैरह वो जाएगा। तो इन्होंने अपने लिए एक शर्ट मंगाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज नेक्स्ट इन्होंने अपने लिए फिट फॉर्मल ये ट्राउजर पैंट मंगाया हुआ है वाइट कलर का, क्योंकि डार्क कलर के शर्ट के ऊपर कभी कभी ऐसा लाइट कलर के पैंट वगैरह भी अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने ये मंगाया है। और ये तो पहनने के बाद ही उनको पता चलेगा कि ये मतलब ठीक से फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो रेडीमेड पैंट या ट्राउज़र वगैरह होते हैं ना उनकी फिटिंग थोड़ी सी करानी पड़ती है। तो ये देखिए ये है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है तो अपना जो लेंथ के अकॉर्डिंग करा देंगे। और इसका जो साइज़ उन्होंने मंगाया है वो मैं आपको बताती हूँ, 36 उनका साइज़ है और काफ़ी अफोर्डेबल है। इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, डार्क लेना चाहते हैं, लाइट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने लिए ये लाइट कलर का मंगाया हुआ है एक ट्राउज़र पैंट, तो एक उन्होंने ये मंगाया है। तो ये थी इस बार की उनकी शॉपिंग। ये आपको सेम सेम दिख रहा होगा बट ये अलग अलग ही पहनेंगे, इसको डार्क के साथ पहनेंगे, इसको भी डार्क शर्ट पहनेंगे, शर्ट के साथ पहनेंगे। तो चलिए ये था हमारा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, माय हॉल स्टोर पर जाके क्लिक करना। आपको कोई भी साड़ी पसंद आई है, कुछ भी पसंद आया है तो आप लोग डेफिनेटली बाय करना, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। और लाइक कर देना शॉपिंग पसंद आई तो। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। घर के सारे काम हो गए हैं, ये चले गए थे आजकल ना, मेरे घर के सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि पहले ये जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, उसके बाद चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम तो ये है कि गैपिंग में होता है, तो मतलब बीच बीच में उनको गैप मिल जाता है, बट ये डेली जल्दी उठने लगे हैं तो मैं भी जल्दी उठने लगी हूँ। और बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, गुड मॉर्निंग। तो मैंने नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, आज मैंने साड़ी पहनी है।
क्योंकि फिर और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो साड़ियों का नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि अभी अच्छा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, साड़ी पहन लो। तो थोड़ा सा मुझे ना स्वेटिंग ज्यादा होती है, नहा के आई हूँ फिर भी इतनी अगर स्वेटिंग हो रही है, थोड़ा सा ना ये कॉम्पैक्ट पाउडर में लगा लेती हूँ जिससे कम स्वेटिंग हो मुझे, और थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। तैयार कुछ नहीं, मतलब बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, आईब्रो फिल की है, दैट्स इट, सिंदूर लगाया। तो ये मैंने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है अपनी, और चलिए अब मैं जा रही हूँ फटाफट से पूजा करने के लिए, और होली की तैयारी स्टार्ट करनी है मुझे, मतलब अभी जो गुजिया वगैरह होती है ना वो बनाने का नंबर आ गया है, क्योंकि आज है ट्यूसडे और आज है 15 मार्च, आज इनका एग्जाम भी है, तो ये गए हैं अपना एग्जाम देने के लिए, ये आएंगे वही 2-3 बजे तक। तो मैंने आज सुबह नाश्ते में बनाया था मटर पुलाव जैसे कि आपको दिखाया ही था, तो बस अभी मैं जा रही हूँ पहले पूजा करने के लिए, मैंने अभी नाश्ता कर लिया है और फिर मैं तैयारी करती हूँ, देखते हैं कि क्या बनाते हैं, क्या आपके साथ में शेयर कर पाती हूँ आज। आई रियली होप कि आप सभी को व्लॉग पसंद आने वाला है। चलिए रेसिपी भी आपके साथ में यहीं पे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे वाले चैनल पे आपके साथ शेयर करूँ, एडिटिंग करनी रहेगी, और अब आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस जैसा मुझे फील हो रहा है ना, तो जितना रहेगा उतना बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ इस बार मैं, तो देखते हैं। गुजिया तो मेन है, मावा जो है खोया जो होता है वो आ गया है, इन्होंने कहीं से मंगाया है गांव से, तो वो तो आ गया है, तो गुजिया देखती हूँ मैं आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी। कल है छोटी होली, 16 मार्च है, और 17 की है बड़ी होली, रंगों वाली होली, तो कल होलिका दहन होगा, तो उसी के लिए गुजिया बनाऊंगी मैं, और थोड़ा बहुत आज बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत कल बना लूंगी, और कल हम जाएंगे होलिका पर पूजा करने के लिए, होलिका दहन जहाँ पे होता है ना वहाँ पूजा करने के लिए, आप लोग भी करते होंगे वो तो। चलिए तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने दाल बनाई है, रायता बनाया था, सैलेड है, चपाती है, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ फिर मैं लगूंगी किचन में, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने अपना लंच कर लिया है क्योंकि मुझे क्या कहते हैं भूख लग रही थी, और ये सारे कामों में मुझे टाइम हो जाएगा इसलिए, तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो रहा था तो वही मुझे डब्बे में डालना है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज नमकीन वाली मठरियाँ, तो 2-3 तरीके से बताऊँगी। तो कटोरी मैंने मैदा ले ली है और मैदा साफ़ है, आप चाहे तो छान सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन ली जिसको हाथों से क्रश करके डाल दिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, 2 कटोरी मैदा ली है, तो 1/4 कटोरी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है मोयन के लिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें मोयन बहुत ज़रूरी है, तभी एकदम खस्ता बन के तैयार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप लोग भी ट्राई करना। तो ये देखिए मोयन का आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो अच्छे से बंध रही है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो लगा लेंगे, और डो लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ये जब रेस्ट कर लेगा फिर हम इसको अच्छे से मस लेंगे, जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, मैंने बर्तन बर्तन सब क्लीन कर दिया वैसे तो। 10 मिनट के बाद की ये क्लिप है, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं इसको और गूँथ रही हूँ, एकदम स्मूथ बना लेंगे डो को। तो अच्छे से स्मूथ करने के बाद मैंने 4 से 5 लोई बना के तैयार कर ली है, तो यहाँ पे एक मैंने लोई ली है, और उसके बाद एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे, मैं प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ क्योंकि चकली पे नहीं आ पाएगी इसलिए, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया था अच्छे से, और एक बड़ी सी पतली सी आपको बड़ी सी रोटी बना के तैयार करनी है जैसे कि मैंने कर लिया आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑयल लगाना है, तो पतली सी लेयर एक ऑयल की लगा दीजिए सभी जगह, और यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट कर दीजिए मैदा से, तो ये देखिए मैंने मैदा बहुत ही कम लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, एक पतली सी लेयर बनानी है आपको मैदा की और ऑयल की, और देखिए कैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी फोल्ड करना है। तो मैं लेयर वाली मठरी आपको दिखा रही हूँ बना के, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खस्ता होती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसको हमने फोल्ड किया दोनों तरफ से, और फिर से हमने ऑयल लगाया थोड़ा सा, और उसके बाद मैदा को डस्ट कर दिया है, तो ये पोटली टाइप हम बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, पोटली नहीं मतलब आप इसको चौकोर जैसा बना लीजिए, ऐसे बन गया। इसको अब हम लंबाई में इस तरीके से बेलेंगे, कोशिश करेंगे कि लंबाई में ही बेलें क्योंकि अभी हमें हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो आप वीडियो में देखना प्रॉपर कि मैंने कितनी बार फोल्ड किया है और कैसे कैसे किया है, क्योंकि ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगी आपको ठीक से।
तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से बेल देंगे, और पतला ही बेलना है आपको, क्योंकि मोटा रखेंगे तो फिर मटरी बाद में जब हम कट करेंगे ना तो बहुत मोटी हो जाएगी और फिर वो अंदर तक नहीं सिक पाएगी, क्योंकि इसमें लेयर बन के तैयार होंगी ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पतला सा बेल दिया है, और अब हम फिर से ना इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बन के तैयार है। आप, मैं आपको दो या तीन तरीके से बताऊंगी, आपको जो भी इजी लगे ना वो आप उस तरीके से बना लेना। तो ये देखिए ऑयल लगा दिया है मैंने, फिर से हम मैदा को डस्ट करेंगे। ये देखिए पतली सी लेयर मैंने बना दी है, हाथों से फैला देंगे और इसको लंबाई में हम फोल्ड कर देंगे। बस इसको ऐसे ही फोल्ड करना है, अब और नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा बेल देते हैं, बहुत मोटा है अभी, थोड़ा सा बेलेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। और ये जो एक पट्टी जैसी आप देख सकते हैं तैयार हो गई है। अब हम इसकी मटरियाँ काटेंगे। तो कैसे काटनी है, एक आप नाइफ ले लीजिए और ये देखिए लंबी लंबी इसकी पट्टियाँ काट दीजिए। आपको मोटी पतली जैसे भी काटनी वैसे आप काट सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बता रही हूँ। मैंने बड़ी सी रोटी बेल दी है, ऑयल लगा दिया है, मैदा को डस्ट कर दिया है। इसको हम रोल करेंगे, बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए अंदर, अच्छे से रोल करना। और इसके जो किनारे हैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसको बंद कर दिया है। अच्छे से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे रोल को, और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। और दो दो बेलन आपको इसमें लगाने हैं पानी पूरी की तरह, और रख दीजिए इसको एक प्लेट में। तो ये आप देख सकते हैं बीच में बहुत सारी इसमें लेयर बन के तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने आज ना अपना गैस स्टोव नीचे ही रख लिया है, क्योंकि खड़े होते नहीं बन रहा था मुझसे, पता नहीं क्यों, तो मैंने इसलिए इसको नीचे उतारा है और यहाँ बैठ के आराम से बनाऊंगी मैं। तो अब आपको क्या करना है, फ्राई करते टाइम पे ध्यान रखना है कि आपको हाई नहीं रखना है गैस के फ्लेम को। अगर आप हाई रखेंगे ना तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी आपकी मटरियाँ, ठीक है। ऊपर से जल्दी से वो डार्क मरून कलर का आ जाएगा, बट वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखिए बिल्कुल, और इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क मत करना, कलर अच्छा ना लगता है देखने में, थोड़ा सा लाइट ही रहने देना। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस कलर में आपको इनको निकालना है, और थोड़ा सा किनारों से ज़रूर लगा लेना निकालते टाइम पे, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो कढ़ाई में ही चला जाएगा। इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, और मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाया है, बट दो तीन तरीके से मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पे जो हमने लेयर वाली मटरी बनाई थी वो भी हम डाल देंगे, और एक मैं बिल्कुल प्लेन वाली भी बनाऊंगी जो कि हर बारी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ के आराम से फ्राई कर रही हूँ, अच्छा लग रहा था बैठ के बनाने में। और तो यहाँ पे मैं आज बनाई हूँ नमक अजवाइन की नमकीन मटरी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है चाय के साथ में। आप इनको बना के महीने भर तक स्टोर करके भी रख सकते हो। होली आ गई है तो हर घर में इस तरीके से पकवान तो बनते ही बनते हैं, होली हो दिवाली हो, तो ये दो फेस्टिवल पे तो बिल्कुल बनने ही बनने हैं, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या ना हो। अच्छा भी नहीं लगता है ना कि हम कुछ भी ना बनाएं, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से तसल्ली से बैठ के मैंने फ्राई कर ली है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ फ्राई करने के बाद। तीन तरह की मटरी बनके तैयार है, ये लेयर वाली है और ये प्लेन मटरी है, थोड़ी सी मैंने प्लेन भी बनाई है। और खस्ता कितनी बनी है मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए देखिए ये बन गई। तो गाइस अभी हो गया है 2:30, और मैं बना के आने के बाद में यहाँ पे लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अभी मेरी जो तबीयत है ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, और ये अभी तक नहीं आया है। मैंने लंच भी बना के रख दिया है, मैंने खा लिया था थोड़ा बहुत, और इवनिंग से अपना दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। आगे क्या बनाऊँगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई रियली होप आप सभी को पसंद आया होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप होली के लिए और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड वाले चैनल पे हैं, गुजिया की रेसिपी, ठंडाई की रेसिपी, लड्डू वगैरह बहुत सारी रेसिपी मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर की। तो शौरांगी फूड एंड ब्यूटी पे आप लोग जरूर देख लेना। यहाँ पे इस बार जो भी कुछ रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद होली बाद भी आपको ब्लॉग मिले या होली से पहले मिल जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तबीयत कैसी भी हो ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी बनाऊंगी। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।